हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे व्रत स्पेशल रेसिपी, नवरात्रि स्पेशल रेसिपी, जो कि हम व्रत में खाते हैं उसका लड्डू। तो ये मैंने आज राजगिरी का लड्डू बनाया था। इसका कलर थोड़ा सा डार्क इसलिए है बिकॉज जो मेरा गुड़ था वो रेड कलर वाला गुड़ था, तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क आया है। बाकी इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है और 3-4 इंग्रेडिएंट से बनकर ये रेडी हो जाएगी। तो इसको आप एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, बिकॉज ये लड्डू बहुत इजी दिखने में दिखता है, बाकी इस लड्डू को बनाने में मेहनत काफ़ी है। अगर आप इसको अच्छे से समझकर और इसके टिप्स फॉलो करके आप रेसिपी बनाएंगे तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगा आपसे। बाकी मैं आपको आगे इस वीडियो में शेयर करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इसके, कि इस लड्डू को अगर बनाना है तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ये लड्डू टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है और हम इसे अपने व्रत में खाना पसंद करते हैं। तो मार्केट में तो ये अवेलेबल होता है, बट हम घर में अगर बना के खाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आज मैं इसी का रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू बनकर रेडी हो गया है ये। तो चलिए आगे हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इससे। आगे हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है राजगिरी का एक पैकेट, ये आधा किलो का पैकेट है और वैसे हमें आधा किलो नहीं लगने वाला, तो ये मार्केट में इजीली हमें कहीं पे भी मिल जाता है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है एक कप, ये 1 कप है, तो हमें 1 कप मेज़रमेंट करके लेना है बिकॉज हमें गुड़ भी इसके अकॉर्डिंग ही डालना होगा। 1 कप अगर हम राजगिरी लेंगे तो हमें गुड़ भी 1 कप लेना है, इससे जो इसका मीठा है जो वो इक्वल रहेगा। तो ये हमने राजगिरी 1 कप ले लिया है और अब हमें मोटे तले वाली कढ़ाई चाहिए, जो कि लोहे वाली, नॉन स्टिक नहीं चलेगी, मोटे तले वाली। और अब हमें यहाँ पे एक एक चम्मच करके फ्राई करना है, बिकॉज़ एक साथ हम डालेंगे तो ये अच्छे से नहीं फूलेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाला है और ये देखिए ये कैसे फूल रहा है, जैसे पॉपकॉर्न हमारा होता है ना कढ़ाई में, वैसे ही। वैसे इसमें कुछ भी घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, हमें एकदम ड्राई कढ़ाई चाहिए मोटे तले वाली, और इसको हमें डाल देना है 1 चम्मच और बीच बीच में आप हिलाते रहेंगे ताकि ये सारे दाने अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फूल रहा है, वाइट हो गया है पूरा। तो ये मैंने 1 चम्मच डाला था बट ये फूल के 2 चम्मच 2.5 चम्मच के करीब हो गया है, तो ये बढ़ जाएगा। जैसे हमने 1 कप राजगिरी लिया है तो हमारा ये राजगिरी बढ़कर 3 कप हो सकता है, 2.5 से 3 कप हो सकता है। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसको छान लेंगे, बिकॉज जो छोटे छोटे दाने जो नहीं फूले हैं, जैसे पॉपकॉर्न हम करते हैं कुछ दाने रह जाते हैं, वैसे इसके भी दाने रह जाते हैं, तो हमें छान देंगे तो ये अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें उसे लड्डू में नहीं यूज़ करना है, हमें सिर्फ फूले फूले दाने लड्डू में यूज़ करने हैं। तो ये देखिए मैंने छान लिया, ये अच्छे से हो गया। इसी तरीके से हम सारे राजगिरी को 1-1 चम्मच डाल के अच्छे से भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे और वो अच्छे से फूल जाएगा। काफ़ी टाइम लगता है, सबसे मेहनत का काम इस लड्डू में यही है, मुझे कम से कम आधे घंटे लग गए थे। तो ये देखिए ये पूरा मैंने 1 कप राजगिरी कर लिया है और ये 3 कप हो चुका है अब। तो चलिए अब हम इसको साइड रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है गुड़ का पाउडर, आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, पहले हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा चॉपर नहीं है तो आप उसको चाकू से भी काट सकते हैं बारीक बारीक, बट मैंने इस चॉपर की मदद से काटा, बहुत जल्दी फटाफट से चॉप हो जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही बारीक चॉप होके निकलते हैं। तो ये मैंने बादाम और काजू डाल दिए इसमें और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी, बस राउंड करना होता है। तो ये इस तरीके से चॉप हो जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं चॉप। तो ये हमारा हो गया। अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, और अब घी को हम गर्म होने देंगे, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो बस यहाँ पे हमें डाल देना है 1 कप गुड़,
गुड़ ले लीजिए आप, चाहे गुड़ पाउडर ले लीजिए, क्योंकि गुड़ को भी हमें क्रश करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने गुड़ पाउडर यूज़ किया है। और अब हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे 2 चम्मच के हिसाब से, ताकि इसकी हम चाशनी अच्छे से बना सके। तो 2 चम्मच मैंने पानी लिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये जब तक फ़ैन इसमें आता है ना, उबलती है, तो ये जब फ़ैन ऐसे बबल्स आते हैं, जब सारे में बबल्स अच्छे से आएंगे, मतलब ये चाशनी हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो आप उसके बाद राजगिरी और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाशनी के लिए, जो गुड़ की चाशनी, हमें और लड्डू जैसे जैसे हम तिल का बनाते हैं तो उसमें चेक करना होता है बार बार कि लड्डू का चाशनी रेडी हुआ या नहीं हुआ, तो हमें वैसे नहीं करना है। इसमें हमें बस 2 चम्मच पानी डालना है, तो ज़्यादा लिक्विड नहीं रहेगा, तो ये फटाफट से गाढ़ी हो जाएगी। प्लस इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, 1 से 2 मिनट बहुत है। बिकॉज आपको अगर इस चाशनी को पहचानना है तो उसका एक ही निशानी है कि इसमें ऐसे बबल्स आने लग जाएंगे, आप देख रहे हैं बबल्स आने लग गए, गाढ़ी लग रही है ये, तो बस ये ऑलमोस्ट इतना काफ़ी है। 1 से 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है, तो ये काफ़ी गाढ़ी लग रही है, लड्डू के लायक लग रही है। तो अब हम इसमें यहाँ पे सबसे पहले गाढ़ी हो जाने के बाद ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो हमने चॉप करके रखा था। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम वो राजगिरी डाल लेंगे जो हमने 1 कप इसको फुला के रखा था। तो ये राजगिरी डाल दिया और अब इसको जल्दी जल्दी से हमें मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पे गैस ऑफ कर सकते हैं या आप लो फ्लेम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया, बिकॉज गाढ़ी चाशनी थी और ज़्यादा देर गैस ऑन रहेगा तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा, फिर हमसे लड्डू नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको फटाफट से मिक्स करना है और गरम गरम लड्डू हमें बनाना है। हमें कैसे बनाना है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए, तो ये अच्छे से मैंने गुड़ में मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो बस अब इसको हमने कढ़ाई को थोड़ा सा साइड में ले आया, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट ठंडा किया, बिकॉज हाथ बहुत जलता है। और थोड़ा सा एक आप बाउल में पानी ले लेंगे, बिकॉज हमें पानी लगा लगा के लड्डू बांधना है, बिकॉज हाथ बहुत लाल हो जाते हैं, बहुत गर्म होता है ये, तो बहुत गर्म है ये, मैं मुझसे बन नहीं रहा, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एक बार और मैं पानी लगाऊँगी और इसको फिर से मैं गोल गोल करूँगी। तो ये देखिए, ये फटाफट से अब गोल गोल हो गया। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी और यहाँ मेरे लड्डू बनकर रेडी हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लड्डू बना है और इसका जो टेस्ट था वो भी काफ़ी लाजवाब है। तो इस बार आप व्रत में ये बना के कब खा रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसी अच्छी से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।